हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों? अक्सर हम बात करते हैं बहुत सारे ज्योतिष की, क्या चीज़ हमारे लिए सही रहेगा, क्या चीज़ नहीं सही रहेगा। कई बार ऐसा होता है ज़िंदगी में हम कुछ नया करते हैं या कुछ चेंजेस करते हैं माइनर से ज़िंदगी में, उसके बाद सडनली हमारा भाग्य दुर्भाग्य में बदल जाता है, हमारी किस्मत बदकिस्मती में बदल जाती है और हम समझ नहीं पाते कि ये सब क्यों हो रहा है। मोबाइल हमारी ज़िंदगी का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हिस्सा बन चुका है। अंक शास्त्र के हिसाब से अगर हम स्पेशली देखें तो ये हमारे जीवन की दिशा को बदलने की ताकत रखता है। आपका जो मोबाइल नंबर होता है वो भी आपके लिए सूट कर रहा है, नहीं कर रहा है, आपके लिए सही है या नहीं, आपके कार्य के अनुसार, आपकी राशि के अनुसार, आपके लिए भाग्य बढ़ा रहा है कि आपके लिए दुर्भाग्य बढ़ा रहा है, ये आपको जानकर रखना बहुत बहुत आवश्यक होगा। अगर आपने सडन चेंजेस किए हैं लाइफ में, अपने मोबाइल नंबर को चेंज किया है, उसके बाद आपको वहमी नहीं बनना है, लेकिन प्रैक्टिकली आपको ध्यान देकर के सोचना है कि अगर आपका नंबर आपको सूट नहीं कर रहा है तो इसका क्या कारण हो सकता है। अक्सर समझ लेते हैं लोग कि लकी नंबर उनका जन्म का नंबर होता है, लेकिन दोस्तों ऐसे नहीं होता है। लकी नंबर निकालने के लिए आप सबसे पहले अपना डेट, अपना मंथ और अपना साल ले लें। ये तरीका होता है लकी नंबर निकालने का, और तीनों को आप आपस में ऐड कर लें। जैसे हम बात कर रहे हैं अगर 18 अक्टूबर 1993 की, तो आप सबको आपस में ऐड कर लें, 1+8+1+0+1994, ये आपस में सारे नंबर्स ऐड कर लें और जो टोटल आएगा वही आपका लकी नंबर होना है। हर कोई आजकल क्या करता है, अपनी अपनी सुविधा के अनुसार काम करता है और भाग दौड़ इतनी हो गई है, इसमें क्या सोचता है कि जल्दी से याद हो जाए मोबाइल नंबर, वो ही हम मोबाइल नंबर ले लें। सबको यही चाहते हैं कि जो नंबर आसानी से याद हो जाए, रिपीटेशन है, 4 बार 7 है 5 बार 0 है, इस तरह के नंबर्स आपको आप चॉइस करना चाहते हैं, और उसके लिए शायद आप हज़ारों हज़ारों रुपए पे भी करते हैं। लेकिन आपको मैं बता दूं दोस्तों कि मोबाइल का जो योग अंक होता है, यानी जो टोटल होता है, आपकी राशि के अनुसार सही है कि नहीं। आपके लिए अगर राशि अनुसार सही है तो ये आपके लिए लकी साबित होता है, वहीं अगर ये टोटल अंक इसका अगर गलत आता है तो ये आपके जीवन में परेशानियों को पैदा कर सकता है। आप अपनी राशि के अनुसार, अपने काम के अनुसार सही योग अंक जान करके, यानी कि सही टोटल नंबर अपना जान करके सही मोबाइल नंबर का चॉइस कर सकते हैं। मोबाइल अब सिर्फ बात करने के लिए साधन नहीं है दोस्तों, इससे बैंकिंग भी करते हैं हम, जीवन में बहुत सारे ज़रूरी काम करते हैं। इनफैक्ट हमारा पूरा बिजनेस मोबाइल तक सीमित हो गया है, और नौकरी हो, चाहे व्यवसाय हो, रिश्तेदार हो, क्लाइंट हो, हर कोई आपसे फ़ोन नंबर से जुड़ा होता है। कई बार तो कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको आप चेहरे से नहीं जानते बल्कि सिर्फ उनके नाम और फ़ोन नंबर से जानते हैं। यही वजह है कि आप सब कुछ भूल जाएं लेकिन अपने मोबाइल को कभी नहीं भूलते, और अगर संयोगवश अगर कभी मोबाइल कहीं भूल जाते हैं तो कितने परेशान हो जाते हैं। दोस्तों हम जब ज्योतिष की बात करते हैं या एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं तो एस्ट्रोलॉजी में बताता है कि हमारे से जुड़ा हर नंबर हमारे जीवन और भाग्य को प्रभावित करता है, चाहे वो हमारा मोबाइल नंबर क्यों ना हो। अक्सर हम इसको इग्नोर करते हैं, और जो भी मोबाइल नंबर, अगर अभी जैसे जियो का कनेक्शन आया है तो जियो के जो न्यू कनेक्शन है उसमें सभी लोग नए नए नंबर्स चेंज कर रहे हैं, अपडेट कर रहे हैं अपने आप को, तो आपको छोटी छोटी बातें ध्यान में रखनी है कि जब मोबाइल नंबर आप ले रहे हैं तो इस बात का आप ध्यान जरूर रखें कि वो आपके लिए लकी हो या भाग्यशाली हो। हमेशा ध्यान रखें कि मोबाइल नंबर के जो अंकों का योग है, यानी कि टोटल जो नंबर्स होते हैं ज्वाइन करने के बाद, वो आपके जो मूल अंक है या आपके भाग्य अंक है उससे मेल खाता हुआ हो। जैसे किसी पर्सन का मोबाइल नंबर कुछ भी हुआ और इस नंबर का कुल ज्वाइंट अगर आपने किया तो वो 9 आ गया। अब जिनका मूल अंक या भाग्य अंक 9 नंबर हो उससे मेल खाता हो तो ये आपके लिए लकी साबित हो जाता है। मोबाइल नंबर लेते समय एक और बात ध्यान रखना चाहिए कि नंबर आपका बढ़ते हुए क्रम में हो। बढ़ते हुए जो क्रम होते हैं वो आपकी उन्नति में सहायक होते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं 9 8 9 0 0 0 ऐसे, या फिर कुछ लोग क्या करते हैं 7 6 5 3 2 1, ये डाउन चला गया। आपको हमेशा ऐसे लेना चाहिए 4 5 6 7 8 9,
या फिर 342999, ये आपका बढ़ रहा है। तो नंबर्स अगर बढ़ते हुए मिलेंगे तो ये आपके लिए कमाल का उपाय हो सकता है। जब भी हम न्यूमरोलॉजी में बात करते हैं तो अगर आपके मोबाइल नंबर में सबसे अधिक बार अंक 8 आता है, 8 नंबर जो होता है ये लकी नहीं होता है। माना जाता है अधिक बार अगर नंबर 8 आता है तो ये आपको कठिनाइयों में डालता है। पॉसिबल है कि मोबाइल बार बार ख़राब हो जाए, ये भी हो सकता है। खुशी कम मिले, लाइफ में परेशानियां अधिक आने लगे। माना जाता है कि अंक 8 आपके जीवन में अधिक बार बार होता है तो आपकी बुराइयां ज़्यादा होती है, आलोचनाओं का सामना आपको करना पड़ता है और आपके खर्च में बढ़ोतरी हो जाती है। इसी तरह से अगर अंक 9 यानी कि नंबर 9 आपकी लाइफ में आता है, आपके मोबाइल में नंबर 9 होता है तो वो बहुत ही लकी माना जाता है। ये अगर 9 जो नंबर है ये बार बार रिपीट होता है आपके नंबर पे तो आपके भाग्य को बलवान बनाता है, धन वृद्धि में मददगार होता है, साथ ही साथ आपको परोपकारी और ज्ञानी भी बनाता है। जो स्टूडेंट्स हैं, राइटर्स हैं, जो फिलॉसफी करते हैं या जो भी क्रिएटिव पीपल हैं, क्रिएटिव आर्टिस्ट हैं, उनके लिए ये वाला 9 अंक विशेष रूप से लाभप्रद होता है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ 9 नंबर को लकी मान करके इसके पीछे दौड़ना ध्यान शुरू कर दें। ये ध्यान रखें कि आप किस फील्ड से जुड़े हुए हैं, ये भी आपके करियर को डिसाइड करने में भी बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। अगर आप गायक हैं, सिंगर हैं, संगीतकार हैं, म्यूजिशियन हैं, आर्टिस्ट हैं, किसी भी प्रकार के कला के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं और कला जगत में आप सफलता चाहते हैं तो आपको अपने लिए 3 और 4 वाले जो नंबर्स होते हैं वो ज़्यादा हों, ऐसे मोबाइल नंबर्स आपके लिए लकी साबित हो सकते हैं। यहीं अगर आप स्पोर्ट्स पर्सन हो, सेना से जुड़े हों, पुलिस से जुड़े हों या किसी भी पावरफुल पोस्ट पर हों तो आपके लिए 6, 7 और 2 अंक शुभ होते हैं। जो लोग भी राजनीति से जुड़े हैं, पॉलिटिक्स से या फिर टीचिंग क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, इन लोगों के लिए 4 की अधिकता वाले अंक ज़्यादा लकी होते हैं। अगर 4 अंक की अधिकता वाले नंबर नहीं मिल रहे हैं तो आप 3 की अधिकता वाले भी मोबाइल नंबर ले सकते हैं। इसके अलावा अगर फील्ड आपकी डिसाइडेड नहीं है तो आप राशि के अनुसार, जिन लोगों को अपनी राशि पता है उन लोगों को हमेशा अपनी राशि के अनुसार चॉइस करना चाहिए। मेष राशि के जो जातक हैं यानी कि एरीज हैं, उनको टोटल, उनका जो मैंने सिखाया आपको टोटल, अपनी बर्थ डेट को टोटल कर लें और जो भी फोन नंबर आपका है वो आप टोटल कर लें, दोनों मैच करने चाहिए, और नहीं तो आप राशि के अनुसार जो आपका मोबाइल नंबर है उसको आप टोटल कर लें। टोटल करेंगे तो इसका टोटल योग अंक बोलते हैं इसको, और योग अंक अगर 4 और 7 मेष राशि वालों का आता है तो इन लोगों के लिए बहुत ही लकी होता है। इसी तरह से अगर हम बात करते हैं वृषभ राशि वालों की तो 5 और 8 नंबर इनका योग अंक लकी माना जाता है और बेस्ट माना जाता है, हर फील्ड में सक्सेस दिलाने वाला होता है। बात करते हैं हम मिथुन राशि की यानी कि जेमिनी की तो 6 और 9 नंबर इनके लिए विशेष लकी माना जाता है और माना जाता है इन नंबर्स की वजह से ये शिखर तक के सक्सेस को छू सकते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कर्क राशि वालों के लिए 8 और 9 नंबर। कर्क राशि वालों के लिए बहुत बहुत लकी होता है और माना जाता है अगर आपके जीवन में कठिनाइयां आ रही है तो ये नंबर आपको उनसे मुक्ति दिला सकता है। ध्यान रखें जो भी बता रही हूँ अपने मोबाइल नंबर आपके टोटल आना चाहिए, योग अंक जिनको हम कहते हैं उसके अनुसार मैं आपको बता रही हूँ, इसलिए सबसे पहले आप जो भी नया मोबाइल नंबर अगर आप लेना चाह रहे हैं तो सबसे पहले टोटल करके देख लें, ये नंबर्स आपके आए तो आपके लिए ये अच्छे हो सकते हैं। बात करते हैं हम सिंह राशि वालों की, सिंह राशि वालों के लिए 2 और 4 नंबर बहुत बहुत लकी माने जाते हैं और इनको ऊंचाइयों तक लेके जाते हैं। बात करते हैं हम कन्या राशि की तो 5 और 8 नंबर, 5 और 8 ये आपके लिए बहुत लकी होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं तुला राशि वालों की तो 1 और 7 1 और 7 नंबर ये आपके लिए ज़बरदस्त लकी रखते हैं। बात कर लेते हैं हम वृश्चिक राशि की तो 4 और 5 इनके लिए विशेष लकी माना जाता है। बात करते हैं हम धनु राशि की तो 9 और 8 इनके लिए विशेष लाभदायक होते हैं और इनको लाइफ में बहुत ही सक्सेस दिलाते हैं। बात कर लेते हैं दोस्तों मकर राशि यानी कि मेरी राशि और इसके हिसाब से 4 और 9 बहुत ही लकी माने जाते हैं और इनफैक्ट मैं आपको बताती हूँ मैं ऑलरेडी यूज़ कर रही हूँ, 9 नंबर मेरा टोटल है और दोस्तों ये कमाल का नंबर है।
बात कर लेते हैं दोस्तों हम कुंभ राशि वालों की। कुंभ राशि वालों के लिए 2 और 7 बहुत बहुत फायदेजनक माना जाता है और मीन राशि वालों के लिए 6 और 8 स्पेशल सक्सेस दिलाने वाला होता है। दोस्तों अगर आपकी भी ज़िंदगी में मोबाइल नंबर्स लेने के बाद कठिनाइयां आ रही है, कोई काम न्यू काम आपने शुरू किया नए नंबर के साथ और वो सक्सेस नहीं दे रहा है, आप एक बार अपने नंबर को चेंज करके देखिए। अब रिपीटेटिव नंबर्स लेने से या फिर बहुत चार्मिंग नंबर्स जो कि बहुत सारे पैसे दे करके आपको अवेलेबल होते हैं फ़ोन नंबर्स, वो फ़ोन नंबर लेने के बजाय आप अपने अंक को, योग अंक को जोड़ करके मोबाइल नंबर लेते हैं अपनी राशि अनुसार या अपने फील्ड के अनुसार, तो फिर आप देखिए कैसे आपको सक्सेस मिलती है। ध्यान रखना है इसको अंधविश्वास नहीं बनाना है बल्कि प्योर साइंटिफिक है, एस्ट्रो साइंस है दोस्तों और इसमें न्यूमरोलॉजी के हिसाब से ये बातें आपको बताई जा रही है। इसलिए अपने फ्रेंड्स फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे सभी लोगों से इन्हें जरूर शेयर करें क्योंकि हमें नहीं पता कौन सी वीडियो कब किसकी लाइफ बदल दे। लव यू ऑल फ्रेंड्स, टेक केयर। किसी भी तरह के क्वेश्चंस हो प्लीज मुझे वीडियो के नीचे लिख के जरूर पूछ लें और हाँ दोस्तों सब्सक्राइब करके रखें ताकि आप और मैं आने वाले वीडियोस के थ्रू कनेक्टेड रहें। लव यू ऑल, टेक केयर। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की।